अब ये जो मोदी जी है सिर्फ ये अपनी कुर्सी के लिए ऐसा करते हैं, आपस में लड़वाते हैं, क्योंकि इनके तो औलाद नहीं है जो ये बैठे हैं, जो औलाद है इन लोगों की हमारी आपस में हम मरते कटते, ये तो अपनी कुर्सी सियासत की बैठे लिए हुए बरकरार है। इन बेटियों की तो हाय है, जो कर्नाटक के अंदर जो हनुमान जी का जो गदाला पड़ा था ना, 36 कलम मंडी खाई थी बीजेपी ने, इन बेटियों की ही बद्दुआ है। और आने वाली जी ने बोला था कि बटन दब जवाने जाए हनुमान जी का नाम लीजिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जे बजरंग बली नहीं तो वो गदाला ऐसा मारा उनके पिछवाड़े पे, वो गिरे 36 कलम मंडी खाई और वहाँ पे जो है एक तरफा हार हुई है बीजेपी की। तो जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो इतनी फेमस है, गोल्ड मेडल लेकर आई है, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो इतने दिन से यहाँ बैठी है, लेकिन हम डर रहे हैं हमारी बहन बेटियों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, और इन्हीं के नेता करते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जो है अंधभक्त है, वो बीजेपी के अंधभक्त है जो उनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो बेकार के लोग हैं जो उसके समर्थन में निकालने हैं, क्योंकि उनके घर में बहन बेटियां हैं नहीं। अगर उनके घर में वो बहन बेटी वाले होते ना, तो ये बेटियों के हक में आते हैं, ना कि इनके मुखालिफ आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, तकरीबन अब एक महीने होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी तक कुछ इंसाफ का कोई आशा या इस तरह की बात नहीं हुई है और ना ही ब्रिजभूषण पर कुछ खास कार्यवाही हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज फैसला आने का वक्त है, 21 तारीख का उन्होंने टाइम दिया था, अब देखते हैं क्या क्या फैसला आएगा। अगर फैसला नहीं आया तो फिर देखते हैं क्या करना है इनको, क्योंकि बहुत सी बातें एक कहना नहीं चाहिए, पहले अगर हम पत्ते खोल देंगे तो ये बेहतर नहीं रहेगा पहलवानों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण को जेल होना चाहिए और आज जो फैसला आएगा तो हमारी बेटियों के हक में ही आएगा, हक में आएगा, बिल्कुल हक में आएगा। ब्रिजभूषण का अभी एक दो दिन पहले एक बयान आया कि जो मेडल है, मेडल तो 15 रुपए में मिलते हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं अगर मेडल वापस लौटाना चाहते हैं सम्मान राशि भी लौटा। इनसे ये पूछिएगा, आप ये कह रहे हैं कि मेडल 15-15 रुपए के बिकते हैं, 15-15 रुपए के मिलते हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से कितनी मेहनत करके मेडल हासिल करा जाता है। इंसान की हर इंसान मेडल हासिल नसीब वाले को होता है, ना कि ब्रजभूषण जी से ये पूछा जाए आप कह रहे 15-15 रुपए। अरे तो तुम 15-15 रुपए वाले मेडल दे रहे थे क्या वहाँ? भाई मेडल का कोई मूल नहीं होता, वो अनमोल होता है। और राशि की तो ऐसी बात है, इनके जितने बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कितना भ्रष्टाचार कर रखा, उनसे पैसे वापसी दिलवा लो। ये कहेंगे राशि वापसी कर दो, राशि का क्या मैटर है भाई, ना तो मेडल वापसी होंगे ना राशि वापसी होगी। इस ब्रजभूषण को जेल होना चाहिए और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को जेल होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ खास कार्यवाही नहीं दिख रही है और प्लस में उनके समर्थन में भी रैलियां निकल रही है। अरे वो जो है अंधभक्त हैं, वो बीजेपी के अंधभक्त हैं जो उनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो बेकार के लोग हैं जो उसके समर्थन में निकालने हैं, क्योंकि उनके घर में बहन बेटियां हैं नहीं। अगर उनके घर में वो बहन बेटी वाले होते ना, तो ये बेटियों के हक में आते हैं, ना कि इनके मुखालिफ आते, इनके हक में आते, इनके साथ होते, इनको इंसाफ दिलाते अगर उनके घर में बहन बेटियां होती। ब्रजभूषण का कोई भी साथ नहीं देता इस देश के अंदर, बेटियों के साथ जो हरकतें हुई हैं, शोषण हुआ इनके साथ, अश्लीलता हरकतें हुई हैं, इनके माफिक बोलते हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन वो सारे लोग गलत है जो इनके समर्थन में नहीं है। बयानबाजी चल रही है कि अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो हमारे पास भी बुलडोजर है, 4000 बुलडोजर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। अरे ये तो बेकार की बात है, 4000 वो हमारे पास बुलडोजर हैं, बस दिखाओ कहाँ है तुम्हारे पास बुलडोजर, उनको भी देखेंगे यार। कोई टेंशन नहीं, उन्हें भी देखेंगे, लाओ दिखाओ कहाँ तुम्हारे पास बुलडोजर, उन्हें भी देखेंगे हम, बिल्कुल देखेंगे जी। बेटी बचाओ पढ़ाओ का जो नारा है, क्या बेटियों के हक में है बीजेपी सरकार में? बिल्कुल भी नहीं है जी, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बेकार की बात है, ये एक झूठा जुमला है और ये बिल्कुल भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हक में नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मामला होता, वो इनके हक में होते, तो आज ये बेटियां यहां नहीं होती, इन बेटियों के साथ बुरा नहीं होता और इन बेटियों को इंसाफ मिल चुका होता। आप किस तरह से देख रही हैं, आप खुद महिला हैं और जो बेटी बचाओ का नारा अभी जैसे बोल रहे थे कि ये सब जुमलेबाजी, क्या जुमलेबाजी है क्या? जी बिल्कुल जुमलेबाजी है, ये सारे जुमलेबाजी करते हैं मोदी जी ने तो शुरू से, जब से आए हैं सत्ता में हम तो यही देख रहे हैं कि जुमले ही बाजी उनकी हो रही है, यही वो कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं, सब झूठी बोलते रहते हैं, बेटियों के लिए इंसाफ नहीं हो रहा, आम जनता परेशान है, मोदी जी परेशान नहीं है, पब्लिक रोड पर है, किसानों को भी बिठा दिया उन्होंने और बेटियों को अब अपने हक के लिए वो लड़ रही हैं, उनके लिए भी इंसाफ नहीं हो रहा, तो हमारी ये इंडिया कहाँ जा रहा है?
रहा है। ये लोगों की सोच कैसी हो गई, जब सरकार में जो बैठे हैं वही एक्शन नहीं ले रहा है, यौन शोषण हो रहा है। वो बेटी का नारा लेकर आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बेटी इतने दिन से यहाँ पर है, 28 दिन हो गए, आज तक कोई उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है जो वो कह रही है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए। मोदी जी को सिर्फ अपनी सोचती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं प्रधानमंत्री हैं जापान नहीं जा सकते, तो यहाँ का मैटर भी तो सोल्व करें ना, वो जा सकते हैं यहाँ का भी, तो यहाँ क्या हो रहा है इंडिया में ये भी तो देखें ना, वो किस मुंह से बाहर जा रहे हैं, वहाँ की जनता क्या कहेगी कि अपने तो मैटर सोल्व नहीं हो रहा, मोदी जी बाहर जा रहे हैं, हाथ मिलाते फिर रहे राष्ट्रपति से कहीं कहीं, ये सब चीज़ें गलत है। पहले उनको यहाँ का माहौल देखना चाहिए कि कैसा है, लेकिन वो बिल्कुल कुछ उनके बिल्कुल ही कुछ नहीं देखते हैं, ना कुछ सोचते ना ही कुछ बोलते हैं, और ना ही बेटियों के लिए एक भी ट्वीट करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। बेटियों का सबसे ज़्यादा सम्मान बीजेपी में हो रहा है और बीजेपी काल में होता है, ऐसा वो बयान जारी करते हैं, क्योंकि समझ लीजिए महिलाओं जो बोलते हैं सशक्तिकरण, वो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर बेटी को इंसाफ मिलता तो रात के अंधेरे में बेटियां जलाई नहीं जाती, अगर इंसाफ मिलता तो आज रोड पे बेटी बैठी ही नजर नहीं आती जो रो रही है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, ये इंसाफ के लिए, वो सब नहीं हो रहा है। और ये जो बीजेपी जो बोलती है ये सत्य नहीं बोलती, ये तो हमेशा झूठी बोलती है, आज तक इन्होंने झूठी राजनीति की है और अब जनता समझ चुकी है, और जनता आने वाले सन 2024 में वो भी इनको बता देगी। क्या 24 में इसका जो जवाब देने वाली है, क्योंकि ये प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन कुछ खास कर पाएगा क्या 2024 के इलेक्शन में? भाई साहब अभी इस प्रदर्शन ने इन बेटियों की तो हाय है, जो कर्नाटक के अंदर जो हनुमान जी का जो गदाला पड़ा था ना, 36 कलम मंडी खाई थी बीजेपी ने, इन बेटियों की ही बद्दुआ है। और आने मंत्री जी ने बोला था कि बटन दब जवाने जाए हनुमान जी का नाम लीजिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जय बजरंग बली नहीं तो वो गदाला ऐसा मारा उनके पिछवाड़े पे, वो गिरे 36 कलम मंडी खाई और वहाँ पे जो है एक तरफा हार हुई है बीजेपी की। इसी तरह से इन बेटियों के अगर इनको न्याय नहीं मिला तो इसी तरह से सन 2024 के अंदर इनके फिर पिछवाड़े पे पड़ेगा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान से ही, हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान से। लेकिन फिर कहीं धर्म वाला मुद्दा ना छेड़ दे, देखिए हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखो ये तो मैं आपको बताऊं, धर्म वाला तो मुद्दा यही लोग छोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे देखो देश वही सत्ता उसी वही यहाँ का शासन बनना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करे और सबके हक में बात करे, सबके इंसाफ की बात करे, जनता की बात करे, हर नागरिक के हित में बात करे और अपने देश के हित में बात करे। बिल्कुल ऐसा नागरिक यहाँ का सबका, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो धर्म की राजनीति करे। सिर्फ उन्होंने जब से वो सन 2014 से बैठे हिंदू मुस्लिम ही का कार्ड उन्होंने खेला है और वो सत्ता में रहे भी है, लेकिन पहले इतने जागरूक नहीं थे लोग, लेकिन अब समझ चुके हैं कि अब ये जो मोदी जी है सिर्फ ये अपनी कुर्सी के लिए ऐसा करते हैं, आपस में लड़वाते हैं, क्योंकि इनके तो औलाद नहीं है जो ये बैठे हैं, जो औलाद है इन लोगों की हमारी आपस में, हम मरते कटते ये तो अपनी कुर्सी सियासत की बैठे लिए हुए बरकरार है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के हमें नहीं चाहिए अपने प्रधानमंत्री, बोलिए प्रधानमंत्री के मतलब बच्चे नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब इन्हीं पहलवानों को डिनर पे बुलाते हैं बोलते हैं ये तो मेरे घर की बच्ची है। जी उन्होंने चाय पे बुलाया था और डिनर पे बुलाया था कि मेरे घर की बच्ची है, लेकिन आज ही उनके घर की बच्ची रोड पे बैठी है, 28 दिन हो गए हैं, आंसुओं से वो रो रही है, यहाँ एक ट्वीट नहीं हुआ, यहाँ कोई उनका सांसद तक का नहीं आया हक में बोलने के लिए बेटियों के लिए, तो वो कहाँ बेटियों का, ये कहाँ विकास हो रहा है बेटियों का, बेटियों को कहाँ लेके जा रही है ये बीजेपी सरकार, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जुमलेबाजी है सिर्फ मोदी जी की, आज तक उन्होंने जुमला ही जुमला करा है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं करा, और आम जनता को हम जैसे लोगों को किसान भाइयों को सबको बेटियों के हक में आना पड़ रहा है, ये हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, आज उन बेटियों के साथ हुआ, हम जैसी नारियों के साथ में बेटियों के साथ में क्या होगा, हम तो ऐसी मारे जाएंगे अगर हमारे साथ में इस तरह से हो। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो इतनी फेमस है गोल्ड मेडल लेकर आई है, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो इतने दिन से यहाँ बैठी हुई है, लेकिन हम डर रहे हैं हमारी बहन बेटियों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, और इन्हीं के नेता करते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन्हीं के नेता यौन शोषण करते हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग करते हैं, तो ये चुप बैठे रहते, किसी और पार्टी के करते तो सबसे पहले ये उधम मचाते हैं, अभी जेल भी हो जाती और ये टीवी पे भी यही चलाते, गोदी मीडिया यही दिखाती, अब क्या दिखाती है, अतीक का मुद्दा 2 महीने से उछाल रखा साइज था अतीक का, ठीक है, किसान यहाँ नहीं दिखा रहे कि बेटी कहाँ धरने पे बैठी है, इतने दिन से कुछ नहीं दिख रहा, अभी क्या उठाएंगे, पाकिस्तान का मुद्दा उठा देंगे कि पाकिस्तान में ये हो रहा, अरे अपने देश का देखो ना कि यहाँ क्या हो रहा है, अपना देश कितना पीछे चला गया, इन्होंने 30 साल पीछे पहुँचा दिया, ये कहते थे कि हमारा देश ऐसा है सोने की चिड़िया थी जब सन 2014 से पहले नहीं मोदी जी आए थे, आज हमारा देश में कोई विकास है और ना ही कुछ हो रहा है, लड़कियों का बस यौन शोषण हो रहा है, क्या परेशान है, आम जनता परेशान है।
क्या लग रहा है आप, ये देश की बेटियां नहीं है क्या, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये मेरे देश की बेटियां और साक्षी तो मेरे घर जैसे। यही तो बात समझना चाहिए जनता को, हर नागरिक को ये बात समझना चाहिए। जिस वक्त ये इंटरनेशनल अवार्ड लेके इंटरनेशनल मेडल लेके आई, उसके बाद इन्होंने देश के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर ताज पहनाया, उस वक्त तो मोदी जी कह रहे थे हमारी बेटियाँ, फोटो भी खिंचवा रहे थे, डिनर भी बुला रहे थे, नाश्ता भी करवा रहे थे। लेकिन आज ये बेटियाँ जिनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ अश्लीलता हरकतें हुई हैं, इनके साथ यौन शोषण हुआ है, आज ये मोदी जी आज नहीं देख रहे कि इनकी बेटियां किस तरह से परेशान हैं। यही तो धोरी राजनीति है। आज ये हरियाणा की बेटी है, पहले हिंदुस्तान की बेटी थी, आज ये हरियाणा की बेटी है। तो मैं यही कहूँगा मोदी जी धोरी राजनीति ना करें, ब्रजभूषण को जल्द से जल्द उसको जेल में भेजें और इन बेटियों को न्याय दिलवाएं, इंसाफ दिलवाएं, इन बेटियों को इंसाफ दिलाएं। और आज 21 तारीख है, आज बड़ा फैसला आ सकता है, जो खाप पंचायत होंगे और जो निर्णय आएगा उसी के ऊपर आगे की कार्यवाही करी जाएगी, किस तरह से सोच रहे हैं सर? देखिए आज 21 तारीख है, आज हमारा 29वां दिन है, जो हमारे रोहतक सोनीपत में महापंचायत चल रही है किसानों की और खम पंचायत की, और शाम तक तो वही आ जाएगा और अगले दिन क्या करना है वो फैसला सुना देंगे अभी, और जो उनके 5 दिनों का टाइम दे देंगे, और भाई जो 5 दिन 6वां दिन होगा वो जो आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे, आदेश जो देंगे उसका आप पालन करेंगे। और ये है भाई, इस तो बाहुबली है, इनको जो खुश शर्म होनी चाहिए बेटी। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली थी कि एक परिवार का मामला एक हरियाणा की बेटी है। अरे एक जिस दिन मेडल लेके आई थी और उस दिन आप ड्रिंक पे बुलाया गया था, कॉफ़ी पे बुलाया गया था, आपने उस दिन घर की बेटी बताई थी, और आज उन्होंने सांसद उनके षड्यंत्र उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। आप तो उस टाइम नहीं, आप तो नहीं बोल रहे तुम के घर की बेटी क्या है। और अगर ये देश का अगर एक परिवार का मामला होता ना तो इतनी संख्या में नहीं आते इतने समर्थन देने के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि तमाम वो लोग आ रहे हैं जो बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं न्याय के लिए, उनके लिए सभी राज्य से सभी क्षेत्र सभी वर्ग यहाँ पे जो है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित ब्राह्मण सब यहाँ पे मौजूद है, इन बेटियों के समर्थक में हैंगे इस वक्त। सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं भक्त हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, उनसे कोई मैटर नहीं है, और आने वाले इनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और जब तक ब्रजभूषण जेल में नहीं जाएगा, जब तक यहाँ से प्रदर्शन हटेगा नहीं, आज जो फैसला आने वाला, देखते हैं फैसले के बाद क्या हम एक्शन लेते हैं। मैं सर यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ सबकी बेटी है हिंदुस्तान में, जो लोग नहीं आए इंसाफ के लिए इन बेटियों के लिए, मैं आपके चेयरमैन के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। आज तो हमारी बेटी है ये है, कल को उनके साथ भी हो सकता है, अभी नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं। एक मैं शेयर के साथ में बोलना चाहती हूँ आपके चैनल पे, उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर है तो जिंदा रहना जरूरी है। कितनी बड़ी बात कह दी है, खुद महिला है और इस शेर के जरिए संदेश दे रही है कि देश की बेटी आप अकेले नहीं है, पूरा देश आपके साथ है।